आप सभी को हमारा मुस्कुराता हुआ नमस्कार। स्वास्थ्य से आनंद की ओर कार्यक्रम में आप सभी का मुस्कुराता स्वागत है। प्यारे मित्रों, 21 जून पास में आ रहा है, 21 जून मतलब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब का आभार, जिनके माध्यम से योग दिवस मनाया जा रहा है। योग दिवस एक बहुत बड़ा उत्सव है जिसे पूरे दुनिया में बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। इसमें विशेषकर आसन प्राणायाम ध्यान का एक प्रोटोकॉल है, अभ्यास क्रम, जिसके सभी विश्व भर से सभी लोग सामान्य रूप में उससे उस दिन करते हैं। यहाँ पूरा अभ्यास क्रम लगभग 45 मिनट से एक घंटे तक का है। तो आप इसे सीखकर 21 जून को योग का अभ्यास कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप इस वीडियो को, इस जो प्रोटोकॉल है भारत सरकार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हम 21 जून को एक साथ समूह में योग करने के लिए तैयार हो जाएं और हमारे से गलतियां नहीं हों। तो प्यारे मित्रों, शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जो सामान्य अभ्यास क्रम है, प्रोटोकॉल है उसका, जिसमें खड़े होकर बैठकर करने वाले आसन, लेटकर आसन करेंगे और उसको हम अच्छी तरह समझेंगे, उसका हम नियमित अभ्यास करेंगे। कब तक? 21 जून तक। तो उसके लिए, उस क्रम में सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी शुभ काम करते हैं उसकी शुरुआत कैसे होनी चाहिए? प्रार्थना के साथ। तो प्रार्थना के लिए एकदम सीधे बैठेंगे, आपको जो आसन अच्छा लगे, और मैं बोलता हूँ अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते, घुटनों में ज्यादा दर्द है, कमर में ज्यादा दर्द है, तो हम सोफे कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन बैठना सीधा है। इसके लिए मैंने पहले ही हाउ टू सिट प्रॉपरली 3 वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देखकर बैठने का तरीका और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो हम सुखासन में या पद्मासन में बैठेंगे। अगर हमें कमर में या घुटनों में दर्द हो, हम पाटे का सहारा ले सकते हैं, कोई भी हाइट का सहारा ले सकते हैं। चलिए, मैं पद्मासन लगा लीजिएगा। जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते हो, आराम से सुखासन में आलती पालती किसी भी आसन में बैठ जाएंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, बाहर की चीजों से, बाहर के विचारों से मन को हटाकर हमारा सारा ध्यान हमारे शरीर में, हमारा लोअर बैक, अपर बैक, नेक से बी स्ट्रेट एंड कीप योर चेस्ट ब्रॉड लाइक हनुमान जी। ऑल्सो रिलैक्स योर एब्डोमिनल मसल्स, पेट की मांसपेशियां एकदम रिलैक्स। ऑल्सो रिलैक्स योर थ्रॉट एंड फेस मसल्स, उन्हें भी पूरी तरह रिलैक्स होने दें। जब हमारा शरीर पूरी तरह रिलैक्स हो जाए, डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस ऑन आवर बॉडी, देन वी शुड फोकस ऑन आवर ब्रेथ, हमारा ध्यान हमारी श्वासों में। Slowly inhalation और slowly exhalation, धीरे धीरे श्वास लेंगे और धीरे धीरे निकालेंगे। While inhalation, पहले पेट फूलेगा, उसके बाद छाती। श्वास निकालेंगे, पहले छाती पिसकेगा फिर पेट। धीरे धीरे श्वास लीजिएगा और धीरे धीरे निकालिएगा। Slowly inhalation, slowly exhalation, without any movements। हम सभी को मालूम है, वी नो वेरी वेल, जितना ज्यादा लंबा और गहरा श्वास होगा, हमारा मन भी उतना ही ज्यादा शांत और प्रफुल्लित। आप रिलैक्स आवर बॉडी एंड माइंड, कम बैक इन नमस्कार मुद्रा फॉर प्रेयर, प्रार्थना के लिए। आप उसे महसूस करिएगा। ओम संगच्छध्वं संवदन्द्वं सन्वो मनांसि जानताम देवाभागं यथा पूर्वे संजाना उपासते हरि। ओ नमन करें
महर्षि पतंजलि को, नमन करें परमपिता परमेश्वर को, नमन करें अपने माता पिता और अपने गुरुजन को, नमन करें परमपिता परमेश्वर को जिन्होंने आज का दिन हमें प्रदान किया। सभी को नमन करने के बाद धीरे से आंखें खोल लें। इस क्रम में प्यारे मित्रों, प्रार्थना के बाद हम करेंगे छोटी छोटी क्रियाओं से हम आसनों का जो अभ्यास क्रम है उसमें सबसे पहले गिरवा शक्ति विकासक क्रियाओं से। गिरवा शक्ति मतलब हमारे गर्दन से संबंधित क्रियाएं जो हमारे गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत बनाकर उन्हें लचीला बनाती हैं। तो गिरवा शक्ति फर्स्ट उसके लिए धीरे धीरे श्वास लेते हुए अपने गर्दन को ऊपर लेके जाना, धीरे धीरे। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम थ्रॉट टू चीन एंड चीन टू थ्रॉट, मैक्सिमम डिस्टेंस। टू, धीरे धीरे गर्दन को नीचे लेके आना, गर्दन की पहली क्रिया। तो आपकी श्वास लंबी हो तो श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर और श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को नीचे किया जा सकता है। जब गर्दन को नीचे लाएं तो छुट्टी कंट्रोल से लगा दें और छाती को फुला दें। थ्री, धीरे धीरे गर्दन को ऊपर, इस प्रकार से एकदम स्लोली स्लोली, मैक्सिमम डिस्टेंस। बहुत फायदेमंद है थायराइड, पैराथायराइड, टॉन्सिल और अदर प्रॉब्लम्स के लिए। और थोड़ा सा ऊपर। टू, धीरे धीरे गर्दन को नीचे, बहुत ही अच्छा। छुट्टी को कंट्रोल से लगा दें। कम से कम आधा मिनट होल्ड करने के बाद धीरे से गर्दन ऊपर, गर्दन की मांसपेशियां एकदम रिलैक्स। प्यारे मित्रों, दो बार गर्दन को धीरे धीरे ऊपर, दो बार गर्दन को धीरे धीरे नीचे, आंखें बंद करके अपनी गर्दन की मांसपेशियों को एकदम रिलैक्स छोड़ दें। आप रिलैक्सेशन करवा सकते विकासक सेकंड, इट मींस साइड बेंडिंग। जब मैं एक बोलूंगा तो अपनी गर्दन को धीरे धीरे वन, नाउ धीरे धीरे गर्दन को बेंड कर दीजिएगा टूवर्ड द राइट साइड। कोशिश करें अपने कान से अपने कंधे को छूने का, मुझे देख सकते हैं एकदम स्ट्रेट हौले हौले। टू, श्वास लेते हुए धीरे धीरे गर्दन ऊपर और श्वास निकालते हुए वापस धीरे धीरे बेंड टूवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड, एकदम साइड में बेंड होना, ना आगे ना पीछे, बैकबोन एकदम सीधा, बहुत ही अच्छा। एंड थ्री, वापस श्वास लेंगे गर्दन बीच में और श्वास निकालते हुए स्लोली स्लोली बेंड टूवर्ड द राइट साइड। ट्राई टू टच योर शोल्डर विथ योर ईयर, कानों से। ये हमारे गर्दन के मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छा है प्यारे मित्रों। थोड़ा सा और बैंड, फील अ स्ट्रेच ऑन योर नेक साइड मसल्स, बहुत अच्छा। जब करना ही है तब मुस्कुराते हुए करेंगे। एंड फोर, धीरे धीरे गर्दन को दूसरी तरफ, बहुत ही अच्छा, बैंड टूवर्ड द लेफ्ट साइड, बैकबोन ऑलवेज स्ट्रेट। थोड़ा सा और, वेरी अंडरस्टैंड। तो आंखें बंद रख सकते हैं, जब तक आपको समझ में नहीं आता आंखें खोल के मुझे देख लें मैं कैसे कर रहा हूं। जब समझ में आ जाए रिलैक्स करें। नाउ रिलैक्स, धीरे धीरे गर्दन को बीच में लाएं, गर्दन की मांसपेशियों को एकदम रिलैक्स छोड़ दें। Feel a difference before and now. तो प्यारे मित्रों, गिरवा शक्ति विकासक थर्ड, अपने गर्दन को दाहिनी तरफ और बाईं तरफ धीरे धीरे ट्विस्ट करेंगे। जब मैं एक बोलूंगा अपने गर्दन को दाहिनी तरफ लेके जाएंगे, जब मैं दो बोलूंगा अपने गर्दन को बाईं तरफ,
नवग्रह एकदम सामने, नाक आपके नाभि के सीध में, कंधों को नहीं हिलाना, उसे मुंह नहीं करना। वन, धीरे धीरे अपने गर्दन को दाहिनी तरफ ट्विस्ट करिएगा, अपने कंधों को बिना हिलाए अपने गर्दन को ज्यादा से ज्यादा पीछे लेके जाना। टू, धीरे धीरे गर्दन को सामने ले आए, ऐसा कह सकते हैं श्वास लेते हुए सामने ले आए, श्वास निकालते हुए स्लोली स्लोली अपने गर्दन को बाईं तरफ ले जाइएगा। गिरवा शक्ति विकासक हमारे गर्दन को शक्ति प्रदान कर उसका विकास करने वाली क्रिया, तो थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे। एंड थ्री, धीरे धीरे एकदम स्लोली स्लोली गर्दन को सेंटर में ले आए, थ्री मतलब टूवर्ड द राइट साइड, दाहिनी तरफ, थोड़ा सा ट्विस्ट करना, थोड़ा सा ट्विस्ट करना, बहुत ही अच्छा। एंड फोर, धीरे धीरे बीच में योगिक क्रिया, बहुत स्लोली हमारे गर्दन की मांसपेशियां में लचीलापन आए, गर्दन से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएं नियमित करने से, थोड़ा सा ट्विस्ट टुवर्ड द लेफ्ट साइड, जैसा पहले ही बताया, Don't move your shoulder, only twist your neck. थोड़ा सा विश्राम, धीरे धीरे जैसे हम इस क्रिया में गए थे उसी प्रकार धीरे धीरे वापस आए, अपनी गर्दन की मांसपेशियों को एकदम रिलैक्स छोड़ दें, हमारी गर्दन की मांसपेशियों को एकदम रिलैक्स छोड़ दें। गिरवा शक्ति विकासक फोर्थ या वी कैन से गिरवा चक्र, अपने गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे, गर्दन को ठुड्डी से लगा दीजिएगा, ठुड्डी को कंट्रोल से लगा देना, धीरे धीरे अपने गर्दन को टूवर्ड द राइट साइड, दाहिनी तरफ ले जाएं, धीरे धीरे आप मुझे देखिएगा पीछे की तरफ मैक्सिमम बैक साइड, देन टूवर्ड द लेफ्ट साइड बाई तरफ, वापस धीरे धीरे नीचे। जब आपको मालूम चल जाए यह क्रियाएं कैसे करनी है, उसके बाद आंखें बंद, ध्यान अपने गर्दन पर और गर्दन की मांसपेशियों, बहुत ही अच्छा। दो बार क्लॉकवाइज हो जाए, धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज, पहले शुरू करेंगे बाईं तरफ से धीरे धीरे, धीरे धीरे पीछे लेके जाएंगे। जितनी बार हमने क्लॉकवाइज किया था उतनी ही बार एंटी क्लॉकवाइज, इस टू इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स anti-clockwise, to very smoothly or gently, maximum stretch, not a stress on your neck, beech mein le aaye, gardan ko seedha kar dein aur gardan ki maanspeshiyon ko ekdam relax chhod dein, feel a difference before and now, feel your breath or feel your नेक, अपने गर्दन और अपनी श्वास की अवस्था को देखें, धीरे से आगे खोल लें। प्यारे मित्रों, यह हमारे गर्दन के लिए था, और गर्दन में कोई दिक्कत हो तो आप धीरे धीरे कर सकते हैं, विशेषकर गिरवा शक्ति फोर करने में चक्कर आ रहे हैं तो आप उसको सेमी सर्कल आधा ही बना सकते हैं, समझ में आता है ना, आपको पूरा गोला बनाने में अगर हमको चक्कर आते हो तो वी कैन डू
अर्धचंद्राकार घुमाकर उसका फायदा उठा सकते हैं। तो प्यारे मित्र, हमने आज गर्दन की क्रियाएं की, है ना, क्या किया, गर्दन किया। नाउ खड़े होकर कुछ छोटी छोटी क्रियाएं जो हमारे ज्वाइंट्स के लिए बहुत ही अच्छी हैं। तो प्यारे मित्रों, इन क्रियाओं को आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। इन खड़े होकर करने में दिक्कत है क्या, हो सकता है चक्कर आने की दिक्कत होती है, अनकम्फर्ट होती है, इसलिए आप इन क्रियाओं को बैठ के करना ज्यादा उपयुक्त है। तो खड़े हो जाते हैं हम समस्थिति में। आपको बताना चाहूंगा, जब हम खड़े होते हैं तो आपने देखा होगा कि हम लोग जब बैठे थे तो हम कैसे खड़े थे, इस प्रकार से घुटनों में दर्द होता है। तो मैं कहना चाहूंगा सभी माताओं से, भाई बहनों से, जब भी आप खड़े हों तब थोड़ा सा करवट लेकर, जैसे आधा वजन दाहिनी तरफ आधा वजन बाईं तरफ देकर खड़े हो जाएंगे तो आपके घुटनों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा, जब भी आप खड़े हों तो कैसे खड़े होना है, जब भी आप खड़े हों कैसे खड़े होना है उसको हम समझ लेते हैं, ताकि हमारे घुटने हमेशा सेफ और दुरुस्त रहे। तो जब भी आप खड़े हों, फर्स्ट टर्न टुवर्ड द राइट साइड और टुवर्ड द लेफ्ट साइड एंड गिव अ सपोर्ट 50% ऑन योर पाम एंड 50% योर लेग्स। इस तरह से आप खड़े होंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। लोग कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, सपोर्ट लेंगे, थे लोगों की छोड़िए, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। चलिए हम करते हैं, अभी हमने गर्दन की क्रियाएं की थी, एड़ी पंजे मिलाइएगा। लोग भुज बली शक्ति विकासक हमारे स्कंद ताकि मजबूत हो, उसके लिए दोनों हाथों को बगल में रखेंगे, श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को बगल से उठाइएगा एकदम धीरे धीरे और सिर के ऊपर ही जाए, हाथों को पूरा ऊपर तान दें जितना तान सकते हैं, स्ट्रेच योर शोल्डर एल्बो एंड रिस्ट्स। आप देखिएगा हथेलियों का जो रुख है बाहर की तरफ, श्वास निकालते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आए, ये हमारे कंधों के लिए बहुत अच्छा है। एक बार और करेंगे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे, अगर आपका श्वास छोटा है तो कोई बात नहीं, सामान्य श्वास लीजिएगा, नहीं तो श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं। भुज बलि शक्ति विकासक हमारे भुजाओं के विकास के लिए और ऊपर ताने, थोड़ा सा और ऊपर ताने, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए हाथों को नीचे ले आए, धीरे धीरे, बहुत ही अच्छा। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला, समस्थिति, और समस्थिति के बारे में हम आपसे कई बार जिक्र कर चुके हैं, उसको डिटेल में देखने के लिए जो हमारे पीछे वीडियोज हैं आप उनमें जाके समस्थिति के बारे में समझ सकते हैं। जब भी आप खड़े होकर विश्राम करें तो समस्थिति आप ध्यान रखिएगा, हथेलियां पीछे, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को आराम से पकड़ेंगे और अपने शरीर को एकदम से रिलैक्स छोड़ देंगे। एक आसन या क्रियाओं का स्ट्रेस तनाव दूसरे में नहीं आता, इसीलिए हम प्रत्येक आसन या क्रिया के बाद आराम करते हैं। तो भुज बलि शक्ति विकासक क्रिया के बाद आज हम करेंगे स्कंद चक्र क्रिया। स्कंद बोलते हैं हमारे कंधों में स्ट्रेंथ देने के लिए, फोर्ड ऑन शोल्डर है, गर्दन में दर्द है, कंधों में स्टिफनेस है, उसके लिए यह दोनों क्रियाएं बहुत ही उपयोगी हैं। उसके लिए वापस पैरों को मिलाएंगे, आपको लगता है कि आपका बैलेंस नहीं बनता तो आप पैर थोड़ा सा खोल के भी रख सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। दोनों हाथों बगल से उठाइएगा, थोड़ा सा पैर में खोल देता हूं ताकि आप भी खोल दें ताकि बैलेंस इजीली रहे। रोल योर शोल्डर, दोनों कोहनियों को मोड़ दें और उंगलियों को कंधों के ऊपर रख दें इस प्रकार से। लुक एट मी प्रॉपरली, मुझे ध्यान से देखें और मुझे ध्यान से सुने, धीरे धीरे सामने अपनी कोहनियों को मिलाइएगा, कोहनियों को एकदम धीरे धीरे छत की तरफ या आकाश की तरफ ले जाएं, then rotate your elbows back side also, एकदम हंसते हुए सुनिए बेटा, yes, very nice। अपनी कोहनियों को सामने भी मिलाना, और मैं कहता हूं आप पीछे भी मिलाइए, अपनी कोहनियां पीछे मिला लेंगे तो 20,000 रुपए इनाम में दे देता हूं, है ना,
इसका मतलब इनाम मिलता है तो हम ज्यादा कोशिश करते हैं। दिस आर द ग्राउंड, बहुत ही अच्छा। नाउ एंटी क्लॉकवाइज, दो बार हमने क्लॉकवाइज किया और दो बार एकदम धीरे-धीरे एंटी क्लॉकवाइज। यहां हमारे कंधों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत अच्छा। जब आपको मालूम चल जाए कैसे करना है, तब आंखें बंद करके हमारा सारा ध्यान कंधों पर लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा। सामने कॉर्निया मिला लें जहां से शुरुआत की थी, धीरे धीरे कॉर्निया को खोल दें साइड में, अपने हाथों को सीधा कर दें, टर्न करें हाथ, धीरे धीरे हाथों को चलाएं एंड कंप्लीट रिलैक्स समस्थिति। आंखें बंद, फील अ डिफरेंस बिफोर एंड नाउ। आंखें बंद, फील अ डिफरेंस बिफोर एंड नाउ। इसके बाद हम करेंगे कटी शक्ति विकास क्रिया। क्या करेंगे? कटी शक्ति विकास, हमारे गर्दन का हो गया, हमारे कंधों का हो गया, ना हमारे कमर के लिए, कटी शक्ति विकास के लिए। दोनों पैरों में एक से डेढ़ फुट का फासला, पैरेलल टू शोल्डर। आप देखिएगा, दोनों पैरों में एक से डेढ़ फुट का फासला, पैरेलल टू शोल्डर। अपने दोनों हाथों को सामने फैला दीजिएगा इस प्रकार से, बैक बोन एकदम स्ट्रेट। नाउ व्हाइल इंक्लिनेशन ट्विस्ट योर बॉडी टुवर्ड द राइट साइड, वन। धीरे धीरे अपने शरीर को दाहिनी तरफ मरोड़ दें, ट्विस्ट कर दें, बहुत ही अच्छा। दोनों कोहनियां कंधे के बराबर, दाहिना हाथ ज्यादा से ज्यादा पीछे ले जाएंगे, ऑन योर ऑन के पीछे थोड़ा सा टू, धीरे धीरे स्लोली स्लोली कम बैक इन सेंटर, बीच में आ जाएं। श्वास लेते हुए, श्वास निकालते हुए धीरे धीरे ट्विस्ट टुवर्ड द लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, वेरी गुड। एकदम ट्विस्ट कर दीजिएगा, ट्विस्ट की पीछे की तरफ थोड़ा सा, थोड़ा सा, बहुत ही अच्छा, थोड़ा सा पूरा मरोड़। लेकिन अपने कमर को मतलब बटक से नीचे को पैरों को नहीं घुमाना। थ्री, धीरे धीरे सामने आए, बहुत ही अच्छा, धीरे धीरे इन फ्रंट। सो प्यारे मित्रों, मेरे साथ लगे रहिएगा, है ना। मैं अपना बैक पोर्शन भी दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको इजी रह जाए। नाउ थ्री, आप ऐसे ही हैं सामने फैले हुए। नाउ थ्री, ट्विस्ट योर बॉडी टुवर्ड द राइट हैंड साइड। कटी शक्ति विकासक हमारी कमर में शक्ति देकर उसका विकास करने वाला, थोड़ा सा ट्विस्ट करें, बहुत अच्छा, थोड़ा सा। नाउ फोर, धीरे धीरे बीच में आ जाइएगा, बहुत अच्छा। आपको सीधा रखिए, फोर, श्वास निकालते हुए धीरे धीरे टुवर्ड द लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, बहुत ही अच्छा। बैक बोन एकदम सीधा, थोड़ा सा और मरोड़ दें, थोड़ा सा और मरोड़ दें। यह क्रिया बहुत फायदेमंद है हमारे मेरुदंड के, है ना, और लीवर और किडनी के लिए भी। नाउ विश्राम, फोर एंड हाफ, साढ़े चार। अपने हाथों को सामने ले आए और हाथ एकदम नीचे कर दें, एकदम रिलैक्स, बहुत अच्छा। आंखें बंद, लंबे गहरे श्वास, हमारे इस मेरुदंड के लिए बहुत ही फायदेमंद। आंखें बंद, ऑब्जर्वेशन। यह क्रिया करने से पहले और करने के बाद हमारे तन और मन में इस प्रकार का परिवर्तन हुआ, उसे महसूस करना। विश्राम के बाद हम करेंगे जानू शक्ति विकासक, हमारे घुटनों की मजबूती के लिए। ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, उसके लिए पैरों में थोड़ा सा फासला, अकॉर्डिंग योर बॉडी। आप पैर मिला के रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, ये तो कंधे जितना आप पैरों को खोलते हैं, ताकि आपका बैलेंस बने। अब
अपने हाथों को जंघाओं पर, श्वास लेते हुए अपने हाथों को कंधों के बराबर लाएं। धीरे से आप बैठ जाएं। आर्टिफिशियल चेयर, क्या कहते हैं आर्टिफिशियल चेयर जो होगा, जब आप बैठे तो कोशिश करें हमारा जो घुटना है हमारे पंजे से बाहर नहीं आना चाहिए। ऐसा आने से हमारे घुटनों में दर्द बढ़ सकता है, अदरवाइज हमारे घुटनों के लिए बहुत फायदेमंद है। श्वास को निकालते हुए इसे खड़े हो जाएं, नॉर्मल। इस क्रिया को एक बार और करेंगे, ध्यान रखिएगा इस क्रिया को एक बार और करेंगे। मैं साइड में दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारा घुटना पंजे से बाहर नहीं होना चाहिए, वापस नहीं, हमारी जंघाओं के लिए, हमारी पिंडलियों के लिए बहुत ही अच्छा है। हम श्वास के साथ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, सामान्य श्वास पर श्वसन के साथ हम कर सकते हैं, छूट जाएगा। क्या हुआ करने के बाद उसका अवलोकन, जानु शक्ति विकासन के बाद आप करेंगे ताड़ासन। यह आसन आपके पूरे शरीर को एनर्जी से भरने के लिए, आलस्य को दूर भगाने के लिए, स्फूर्ति लाने के लिए बहुत ही अच्छा है। मिलाइएगा ताड़ासन के लिए, दोनों हाथों को बगल में उठाएंगे, धीरे धीरे अपने हाथों को बगल से उठाएं, रोल आवर शोल्डर, दाहिना हाथ दाहिनी तरफ ताने और बाएं हाथ बाएं तरफ ताने, छाती को और फुला दें थोड़ा सा, बहुत ही अच्छा। और फुलाने के बाद धीरे धीरे अपने हाथों सिर के ऊपर ले जाएं। Interlock your fingers, turn your palm upward, then stretch toward the roof. अपने हाथों से छत छूने का कोशिश करें, अपने हाथों से छत को छूने का कोशिश करें। हमारे बटक्स को टाइट करें, पेट को अंदर पिचकाएं, छाती को फुला दें। जब आपको मालूम चल जाए कैसे करना है, आंखें बंद, concentrate your entire body, stretch your shoulder, stretch your elbow, stretch your wrist, थोड़ा सा और ऊपर ताकना, बाजू कान से लगा हुआ, पीठ अंदर पिचका हुआ, पूरे शरीर को ताकने के बाद हमारा ध्यान हमारे श्वासों ऊपर ताने और स्ट्रेच करें और स्ट्रेच करें। Now relax, जैसे हम आसन में गए थे ठीक उसी प्रकार धीरे धीरे आसन से वापस आए। Slowly, slowly come back from handed to zero। हाथों को धीरे धीरे नीचे रखें, बहुत ही अच्छा। Relax in samasthiti, relax in samasthiti। आंखें बंद, ऑब्जर्वेशन, अपने शरीर को पूरी तरह लक्ष छोड़ दें। आसन करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका ऑब्जर्वेशन। जैसा कि पहले बताया, आपके शरीर के रोम रोम को खोलकर उसे एनर्जी प्रदान करता है। इस आसन को और डीपली देखने के लिए आप हाउ टू डू ताड़ासन आप देख सकते हैं।